हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पोशाक सिविल इंजीनियरिंग। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा हाईवे प्रोजेक्ट के बारे में। ये हाईवे प्रोजेक्ट होता है क्या है, तो मैं इसमें हाईवे प्रोजेक्ट में तो बहुत ऐसा पॉइंट होते हैं जो कि आपको अगर बताना चाहूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं इतना लंबा नहीं करना चाहूंगा। मैं वीडियो बहुत ही शॉर्ट में बनाता हूं और बहुत ही कुछ मिनटों का बनाता हूं, जैसे 5 मिनट 3 मिनट्स का बताता हूं। तो मैं दोस्तों आज बात करूंगा एक ऐसे हज़ारों पॉइंट में, मैं कुछ 5 पॉइंट या 6 पॉइंट का बात करूंगा जो कि आपको आपके जो कि आप फ्रेशर हो, अगर आप कंस्ट्रक्शन में प्रैक्टिकल में जाएंगे तो आपको वहाँ पे बहुत ही यूज़ होने वाला है। वीडियो में आपको ऐसा चीज़ बताऊंगा जो कि आपको लाइफ को हो सकता है कि चेंज भी कर दे, कि मेरे को तो चेंज हुआ है। तो मैं भी आप चाहूँगा कि आप भी प्रेशर ना रहो, बस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में नॉलेज आ जाए। तो मैं आज बात करूँगा सबसे पहले व्हाट इज़ मीडियन, मीडियन क्या होता है, व्हाट इज शोल्डर पेमेंट क्या होता है, व्हाट इज अर्थन शोल्डर क्या होता है, व्हाट इज कैरेज वे क्या होता है, व्हाट इज व्हाट इज कर्व क्या होता है। मैं इस सारे पॉइंट को इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा जो कि आपको आगे वीडियो में मिलने वाले हैं, वो भी प्रैक्टिकल दिखाऊँगा ये होता क्या है। ठीक है दोस्तों, वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, तो चलो वीडियो की ओर। हेलो दोस्तों, जो चीज़ मैं आपको इंट्रोडक्शन में अभी बताया वो सारा चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगा कि ये चीज़ होता क्या है। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ दोस्तों मीडियन की, आखिर ये मीडियन क्या होता है। मीडियन हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल में पढ़ते हैं जो कि मीडियन एक क्या होता है, जो दो वे को अलग करते हैं उसको हम लोग मीडियन बोलते हैं, लेकिन होता क्या है मैं आपको ये दिखाऊंगा। दोस्तों यहाँ पे सामने देख रहे हैं कि आपको बीच में ये जो है फीलिंग क्या हुआ आपको दिखा दे रहे होंगे, ये सामने जो जितना भी फीलिंग क्या हुआ ये इसमें दोनों साइड में हम लोग का एक कर्व है और बीच में फीलिंग है और ये है दो सेपरेट जो कि जो टू वे को जो है हम लोग का यहाँ पे अलग करता है, जैसे कि एक आप सामने को एक वे दिखाई दे रहा होगा और दूसरी तरफ इसकी बात करेंगे ये हम लोग का दूसरा वे है जो कि लेफ्ट साइड है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या होता है, मीडियन का मेन अर्थ है टू वे को एक दूसरे से सेपरेट करना, यहाँ के हम लोग का मेन वही होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे अभी कर्व की, ये कर्व क्या है, तो हम लोग इसे कर्व बोलते हैं। ये जो है एक कंक्रीट का डाला हुआ होता है जो कि मीडियन के एंड एज में दो बहुत साइड लगता है, इसको हम लोग कंक्रीट से डालते हैं एक कंक्रीट लेइंग मशीन से, इसको हम लोग कर्व बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अर्थन शोल्डर का, तो यहाँ पे अगर हम लोग का मेन कैरेज यहाँ पे एंड होता है, ये मेन कैरेज हुआ हम लोग का, यहाँ पे मेन कैरेज यहाँ से एंड होता है। एंड होने के बाद जितना भी हम लोग को इधर साइड में अगर डिजाइन के हिसाब से डिजाइन में 2 मीटर 1 मीटर का दिया रहता है, तो हम लोग का डिजाइन में क्या होता है कि अगर हम लोग का डिजाइन में 1 मीटर दिया है तो हम लोग 1 मीटर का इसको सेपरेट करेंगे। ठीक है, अर्थन शोल्डर करेंगे। अगर यही शोल्डर हम लोग का क्या होता है, अगर पेमेंट सेम मटेरियल से बना होगा, अगर हम लोग का कंक्रीट अगर रोड है मेन कैरेज वे अगर बिटुमिन से बना है, अगर वही शोल्डर हम लोग का यहाँ पे अगर बिटुमिन से ही बनेगा तो क्या होगा हम लोग का वो पैप शोल्डर कहलाएगा, लेकिन अगर वही शोल्डर जो है मिट्टी से बना हुआ होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्थन शोल्डर बोलेंगे, जो अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन उसका विड्थ जो होता है या तो 1 मीटर का होगा 2 मीटर का होगा, वह डिज़ाइन में दिया रहता है। ठीक है, तो हम लोग समझ गए दोस्तों यहाँ पे हम लोग का अर्थन शोल्डर। और हम बात करेंगे पैप शोल्डर, तो जानते हैं आप रोड में बीच बीच में क्या होता है, यहाँ पे एक कर्व साइड से 2 मीटर का डिस्टेंस पे एक हम लोग का वाइट पट्टी डालते हैं जो कि इधर ये कर्व से इधर हम लोग को 2 मीटर का एक पट्टी डालते हैं जो कि हम लोग का यहाँ पैप शोल्डर कहलाता है। ठीक है, ये दोनों साइड होता है, यानी कि लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बोथ साइड ये पैप शोल्डर होता है। ये इसलिए जाता है क्योंकि कभी कभी हम लोग देखते हैं कि रास्ते में जाते जाते हम लोग का बाइक ख़राब हो जाता है या कोई जो मैकेनिकली डिस्टर्ब हो जाता है, तो हम लोग अचानक से बाइक को हम लोग क्या करेंगे, मेन कैरेज वे पर तो रोक नहीं सकते हैं, तो हम लोग को एक स्पेस चाहिए जहाँ पे हम लोग बाइक को खड़ा करें या कार को खड़ा कर सकते हैं और उसको आसानी से हम लोग बिना डिस्टेंस के हम लोग ठीक कर सकते हैं। इसलिए हम लोग को यहाँ पे पैप शोल्डर देते हैं या अर्थन शोल्डर डालते हैं ताकि किसी को कोई तरह का डिस्टर्बेंस नहीं हो। ठीक है दोस्तों, और इस तरह से यहाँ पे आपका जो इंट्रोडक्शन में मैं बताया जो आपकी पैप शोल्डर क्या होता है, मीडियन क्या होता है, कर्व क्या होता है, तो आई होप दोस्तों वीडियो में आपको सब कुछ पता चल गया होगा आखिर ये चीज़ होता क्या है। तो अगर वीडियो में समझ में आया गया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी ये नया नॉलेज और उसको भी पता चल सके आखिर होता क्या है। ठीक है दोस्तों,
यह पूरा का पूरा जो है आपका हाईवे है,